नक्सलियों ने पिता पुत्र को उतारा मौत के घाट, चंद मिनट ने विधायक की बचा ली जान। बिरसा आवास योजना में लेवी का विरोध करना पड़ा पंकज बिरहोर व उसके पिता को महंगा। बता दें कि चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के उग्रवादी प्रभावित गांव हिंदिया कला में उग्रवादियों ने पिता पुत्र को हत्या कर डाली। बता दें कि हाल ही में चतरा लोकसभा चुनाव खत्म होते ही नक्सलियों ने दी बड़ी घटना को अंजाम। उग्रवादियों के विरुद्ध मोर्चा खोलने वाले बीफा उरांव उसके पुत्र पंकज बिरहोर की हत्या कर पुलिस को पेश कर दी खुली चुनौती। पुलिस का साथ देने की जान देकर चुकानी पड़ी कीमत। कुछ दिन पूर्व पिता पुत्र ने मंटू गंजू एक नक्सली को पकड़कर हथियार के साथ किया था पुलिस के हवाले। इसी के प्रतिशोध में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। मंटू गंजू TSPC नक्सली था। मंटू गंजू कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना में लेवी के मांग किया था। इस दौरान पंकज व उसके भाई विधायक बिरहोर ने पकड़कर हथियार के साथ पुलिस के हवाले कर दिया था। इस घटना के बाद नक्सली का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इसी का प्रतिशोध लेने के लिए नक्सलियों द्वारा शनिवार की देर रात घटना को अंजाम दे दिया। खोलल थी ना, फिर से ऊपर से चढ़ के करकट तोड़ल थी, ऊपर से पत्थर से पूरा मारे लगल थी। तब आनती फिर कमाड़िया खोल के बाहर निकल के ओकर बाद फिर टांगे से दो झन के मतलब हाथ में कमर में मतलब मार के ओकर बाद से अरे फिर ओकर बाद ने गोली मार दिए थे घर में ना मतलब मारपीट पत्थर से पति के तो बोलते थे ना तुम लोग बहुत पुलिस बन गया है, पुलिस बन गया है। हम लोग बोल कुंदे थाना से हजारीबाग से, कोई ड्रेस में था कोई सादा में था। कैसा ड्रेस? देखिए सबसे पहले तो गांव हिंदिया कला में बिरहोर लोगों का घर का इतना कमी था कि वहां अगर जोर से आंधी तूफान आएगा तो बिरहोर मार गिर के वहीं रह जाएगा। तो इसीलिए पिछले वर्ष अबू इमरान डीसी सर जो थे वो गए थे वहां। वहां जाने के बाद क्या किया कि उन्होंने स्थिति को देखा और 10 बिरसा आवास उन्होंने घोषणा किया, और घोषणा करने के बाद उनको मिला भी। तो मिला पहले दूसरा दलाल लोग को मिलता था, वो लोग पैसा निकालता था, खा जाता था, और घर भी नहीं बनता था जिसमें रहने के लिए बहुत समस्या होती थी। तो अब हम लोगों ने जब कुछ पढ़ा लिखा, कुछ हम लोग जागरूक लोग हैं, तो सोचे कि नहीं अब क्यों ना अपने स्तर से इन लोगों को आराम से बनवा देते हैं ताकि इन लोग रहने में सुविधा हो जाए। तो इसी दौरान जो पहले बनाता था वो लोग जो TPC जो है उनको ने भी देता था। तो हम लोग से भी मांग किया कि एक आवास पर आपको 10,000 रुपया आपको हमको ने भी देना है। तो इसमें हम लोग नकार दिए कि हम लोग ने भी नहीं देंगे, अगर आपको ने भी देंगे तो हम लोग घर कहाँ से बनाएंगे। तो इस बात में बहुत बार हम लोग को फोन पर धमकी दिया गया कि आप लोग कहाँ रहिएगा, मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, ऐसे कर दिए। तो वो तो ठीक है, एक दिन अचानक रात में उन्होंने 6 जन आया। 6 जन आने के बाद क्या हुआ कि 4 जन मेरा घर में गया और 2 जन गार्ड में लगा था, जिसमें पूरा वो लोग धमकाने लगा कि निकालिए बाहर निकालिए, पैसा दीजिए, ऊपर मांगने लगा। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद हम लोग सब मारपीट पूरा करने लगा। करने के बाद उसी दौरान हम लोग दोनों भाई थे, मेरे पापा थे, और हम लोगों ने एक को जिसका नाम है मंटू गंजू उसको हम लोग पकड़ा और पकड़ करके उसको हम लोग बांधा, और पूरा गांव के लोग जुटे, उसको फिर हम लोग पुलिस के हवाले कर दिए। और पुलिस के हवाले करने के बाद उसके बाद फोन होना बंद हो गया। उसके 2-3 महीना बाद हम लोग को सूचना मिलता था लेकिन फ़ोन पर नहीं मिलता था, और मारने की धमकी हमें कंटिन्यू हम लोग को मिलते रहता था। उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को हमेशा मैंने एक निगरानी करते रहता था कि आप लोग को आज टेकने वाला है, आप लोग निकल जाइए, आप लोग वहाँ चल जाइए। तो कल भी हम लोग को सूचना मिला था लेकिन हम लोग कोई काम था इसलिए हम लोग चले गए घर और रात में थोड़ा सा रुक गए। तो जिसमें हम थे से खाना खाने के बाद हम चले गए दूसरा बगल में ही सोने, और मेरा भाई और मेरा पिताजी थे से अपना घर में ही रह गए, और मेरा पापा खाना ही खा रहे थे। जस्ट खाते खाते वो लोग गया और पकड़ा
पकड़ के सबसे पहले मेरा भाई को जगाया, तो नहीं जागा था, नहीं कबाड़ी खोल रहा था, तो कबाड़ी तोड़ने की कोशिश किया, कबाड़ी नहीं टूटा, तो करकट का घर है अल्बेस्टर का, उसको तोड़ करके ऊपर से चढ़ करके ऊपर से घुसा, और घुसने के बाद ईटा हो या पत्थर हो या टांगे हो उससे उसको मारने लगा। मारने के बाद कुछ लोग अंदर घुस गया, उसको पकड़े और दरवाज़ा खोले, उसको घींच करके बाहर निकाला, और निकालने के बाद मेरा भाई भी टांगे लेके निकला। उसके बाद फिर मेरा भाई भी लगा कि दो लोगों को एव के कमर थोड़ा सा मारा और एव के हाथ में थोड़ा लगा। उसके बाद जैसे ही चिल्लाया मेरा पता दौड़िया हो चोर हो चोर हो, तो वो लोगों ने देखा, और देखने के बाद क्या किया कि देख रहा लोगों लोग जब आ रहे हैं गाँव से, तो सीधे दो फैन मेरा भाई का यहाँ गर्दन में ही मार दिया, और उसका वहीं पर मौत हो गया। और मेरा भाई कहा गया कि वो भी तो भी नहीं मार रहा था, टांगे से इधर उधर पूरा माथा में और सब तरफ छेंक दिया उसको। उसके बाद मेरा पिताजी को लास्ट में बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद मेरा पिताजी को ईंटा से मार मार करके उसका कपार खींचा, उसके बाद बंदूक से भी एक फायर यहाँ मारा था कपार में। आपका नाम? मेरा नाम है विधायक बिरहोर। कौन है आप उसका? देखिए जो लड़का है मैं उसका भाई हूँ, और एक जो बुजुर्ग है।